नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम टेंपल टाउन उडुपी में हैं। मेरे साथ पवन भाई हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज हम दिन भर इनके साथ घूमेंगे। आज के दिन की शुरुआत हम टेंपल विजिट करके कर रहे हैं। इस समय हम श्री कृष्णा मठ के मेन गेट के बाहर खड़े हैं। इसको बोलते हैं कार स्ट्रीट। सही। तो रथ जो ये है, जब भगवान की मूर्ति बाहर आती है तो रथ में दर्शन, दर्शन सबके लिए, दर्शन देने के लिए वंस इन अ मंथ भगवान को बाहर लाते हैं और सबको दर्शन मिलता है भगवान जी का। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले टेंपल में जाते हैं, फिर आपको कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। चले। हाँ सर। अभी हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके मंदिर के बाहर आ चुके हैं। मैंने जो देखा वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम गर्भगृह के पास पहुँचे तो मैंने देखा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वुडन है। गर्भगृह के बाहर एक विंडो है, वो लगभग समझ लीजिए 4 फीट की होगी। उसमें से आप देखकर डायरेक्ट दर्शन नहीं करते, तो थोड़ी सी जाली लगी हुई है, फिर आगे ब्लैंक स्पेस है, फिर जाली, फिर ब्लैंक स्पेस, ऐसा करके पूरी विंडो है। ऐसा क्यों सर? एक्चुअली बात तो बहुत पुरानी है। भगवान जी के एक बहुत बड़े भक्त थे संत कनकदास के नाम के। उन्होंने क्या किया था सर, भगवान को देखने के लिए भगवान को पुकारा, भजन गा के पुकारा था, और भगवान जी संतुष्ट होके उनके भजन सुन के, जो एक्चुअली अभी है ना, वहाँ से भगवान जी ने पूरा घूम के कनकदास जी को दर्शन दिया था, और कनकदास जी ने वो किंडी में भगवान जी को देखा था। इसके कारण सभी लोग वो किंडी में भगवान जी को देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, टेम्पल ऑफिस में जाकर हमने वीडियो शूट परमिशन की बात भी करी, तो उन्होंने बोला कि आप दोपहर के बाद आइए, अगर परमिशन मिल सकेगी तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, सही है सर। अब हम यहाँ से चलते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे सर। डन। यस। पास ही हम मित्रा समाज आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आपकी तो पूरी भाजी आ चुकी है, तो आप शुरू करो ना, जब तक इडली सांभर आ रहा है। काफी हमने तारीफ सुनी है इस जगह की। बहुत पुरानी होटल है, ऑथेंटिक होटल है, सात्विक फूड बनता है यहाँ पे। दे वोंट यूज अनियंस, दे वोंट यूज गार्लिक, पूरा जैन फूड बोलते हैं ना, वैसा बनता है यहाँ के। जब से मैंने मैंगलोर बंस खाए ना, इस टेस्ट का मैं फैन हो गया हूँ। साथ सांभर दिया ये? सांभर। सांभर और कोकोनट चटनी। पहले जरा चटनी टेस्ट कर लेते हैं। चटनी में ना उन्होंने पानी नहीं यूज किया है, थिक चटनी है। ठीक है। ये मैंगलोर बंस में बनाना रहता है ना? हाँ। बनाना, और मीठे के लिए क्या आमतौर पे डालते हैं? शुगर। शुगर भी यूज करते हैं या फिर गुड़ भी यूज करते हैं, जैगरी भी यूज करते हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा कि मैंगलोर बंस खाने के लिए ना आपको ना चटनी चाहिए ना सांभर चाहिए, ये तो एज इट एज ही खाओ। वेरी टेस्टी और मस्त टेस्ट है। बाहर से क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट है, एकदम गरम गरम वड़ा। वाह, इडली वड़ा सांभर और चटनी। मेरे को ऐसा लगा इन्होंने 15 मिनट बाद हमें दिया, इसका मतलब इडली भी फ्रेश है फ्रेश, और वड़ा भी फ्रेश है। दोनों को अभी तैयार किया हमारे ऑर्डर आने के बाद। बहुत ही अल्टीमेट, सही बताऊं इतना सेटिस्फाइंग फूड है। अब ये इडली इतनी सॉफ्ट है, इतनी फ्रेश है कि सीधा मेल्ट हो गया। सांभर बहुत अच्छा है। ये तो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सांभर में मीठा कंपलसरी रहता है। करेक्ट। मतलब थोड़ा सा गुड़ तो रहेगा रहेगा। कैसा सर, मेदू वड़ा? बहुत अच्छा बना। यहाँ का टेस्ट तो मेरे को पसंद आ गया, इसमें कोई शक नहीं है। केसरी भात, ओहो, अल्ट्रा स्मूथ। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ केसरी भात कंपलसरी रहेगी। सो आप केसरी भात एंजॉय कीजिए, मैं मेरा लाइम वाटर एंजॉय करूंगा। सही है, बहुत अच्छा बना है। कुल मिला के यहाँ के ब्रेकफास्ट से और जनरली फूड से मैं इंप्रेस हो गया हूँ। वेरी टेस्टी। फिल्टर कॉफ़ी पीने का मन है इसके बाद। एक हमें फिल्टर कॉफ़ी दीजिए, चीनी थोड़ी कम। यहाँ आके ना मेरे को एक चीज़ पता लगी
बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको नॉर्मल चीनी चाहिए तो कम बोलोगे तो ठीक रहेगा, अगर आपने नहीं बोला तो चीनी ज्यादा रहती है। स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई काफी, डिकॉक्शन हाई है अभी इस समय मैं देख रहा हूँ बाहर खाली है, तो जब प्री कोविड डेज तो बहुत चहल पहल होती थी, बहुत रहते थे, टूरिस्ट बहुत आते थे यहाँ पे। अच्छा, अभी कोविड के बाद वो पूरा रिस्ट्रिक्शन है ना, इसकी वजह से क्राउड बहुत कम है। अभी हम लोग ना यहाँ पे जैस्मिन देखेंगे सर, इसे हम लोग कनाडा में मल्लिगे बोलते हैं। मल्लिगे तो इसका प्राइस क्या होता है रेट? ये पूरा बंच के लिए 800 है और इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के लिए 200 रुपए लगेगा। तो इनसे पूछना कि पिछले एक साल में सबसे ऊंचा रेट कितना गया? सबसे ज्यादा अम्मा ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ರೇಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹೋಗಿದೆ ರೇಟ್? 1000 ಮೇಲೆ. ಹಾ 1000 ಸೇ ಊಪರ್ ಬಿ ಗಯಾ ಹೈ ಸರ್. ತೋ ಯಾನಿ ಜೋ ರೇಟ್ ಅಭಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೈ ವೋ 1000 ತಕ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಗಯಾ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಇತನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರೇಟ್? ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಉಂಟು ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಓ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ ಯಾ ಫಿರ್ ಅಗರ್ ಫ್ಲವರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಾ ಸೀಸನ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಗರ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಮೇ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಭಾವ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಮೈನೆ ಸುನಾ ಯೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹೋತೀ ಹೈ ಉಡುಪಿ ಸೇ ಕೋಯಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗೇ ಜಗಾ ಹೈ, ವಹಾಂ ಪರ್ ಡೇಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಸುಬಹ ಆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಔರ್ ರೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೋಗಾ ಆಜ್ ಕಾ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೇ ಹೈ ನಾ ಉಡುಪಿ ಔರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇ ಹರ್ ಏಕ್ ಒಕೇಜನ್ ಮೇ ಯೂಸ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ, चाहे गार्लैंड के लिए या फिर भगवान को चढ़ाने के लिए, हर एक ओकेजन में ये कंपलसरी है। तो ये खिलता भी है मल्लिगे? हाँ, इवनिंग टाइम। ये मट्टुगुल्ला? मट्टुगुल्ला। ओ, स्टिकर हमने देखा यहाँ पे रास्ते में आते समय। तो ये मट्टुगुल्ला में ऊपर कांटा रहता है ना? हाँ। और क्या क्या है? चाइनीज पोटैटो है, उसे हम लोग लोकली सांबराणी बोलते हैं। वो टेस्ट में आपको पोटैटो जैसा ही है लेकिन साइज में थोड़ा सा छोटा है। वो स्वीट पोटैटो है। शकरकंदी? हाँ। देखने में काफ़ी डिफरेंट हाँ टेक्सचर इसका। वो एक्चुअली लोकली ग्रोन है ना, फ्रेश निकाल के लाया है उन्होंने। जिमीकंद? याम। सूरन? सूरन हाँ। और वो कोकम है, ड्राइड कोकम। अच्छा, जब से मैं यहाँ पर आया मैं पहली बार देखा कोकम। तो आप लोग अपने आपके फूड में कोकम हाँ रहता है? आप बहुत सारे होटल में फिश करी खाए हो, यूजुअली क्या होता है ना, दे प्रिफर कोकम इंस्टेड ऑफ टैमरिंड। ओके, ये वही है ना खोटो इडली में? खोटो इडली मूडे बोलते हैं ना। हाँ, हमने मुझे लग रहा है खोटे इडली हमने खाया, तो जैकफ्रूट का लीफ है? नहीं, जैकफ्रूट का ये वाला है, देख सकते हैं एक बार, देख सकते हैं। अच्छा, ये खोटे इडली इसमें बनता है? इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग बेचते हैं और रेस्टोरेंट वाला इसमें इडली बैटर डाल के पकाता है जैकफ्रूट लीफ। और वो किस काम आता है? वो सेम है लेकिन वो खेतकी का है लीव्स, उसमें भी मुड़े बनते हैं, सेम बैटर उसमें डाल के पकाते हैं। धन्यवाद। वो टर्मरिक लीफ है सर, उसमें हम लोग एक स्वीट डिश बनाते हैं। अच्छा, और बैटर उसमें डाल के हम लोग बनाते हैं, पकाते हैं। सही है। जो अभी प्रीमाइसेस देख रहे हो आप, इसे हम लोग कार स्ट्रीट बोलते हैं। हर एक 2-3 बिल्डिंग के बाद आपको एक एक मठ होता है। इस कार स्ट्रीट के अंदर आपको 8 मठ मिलेंगे। 8 अष्टमठ बोलते हैं हम लोग। हर 2 साल में एक बार कृष्णा मठ का मैनेजमेंट होता है ना, चेंज होता है। वंस इन 2 ईयर्स एक एक मठ को जाता है। नाउ इस 2020 से लेकर 2022 तक अदमारू मठ के पास उनका मैनेजमेंट है अभी। ये मठ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे कोई टूरिस्ट आके मठ में रहना चाहता है तो वो फैसिलिटी? उसका भी फैसिलिटी है, उसका भी हर एक मठ का उनका खुद का लॉजिंग है और रूम्स भी है। किसी का चल के देखेंगे? हाँ, देखेंगे, आइए सर। टेंपल के सामने ही एक गेस्ट हाउस है, अभी हम ऊपर रूम देखने के लिए आए हैं। सामने आप देख रहे हैं सोधे मठ, यहाँ पर भी आके हमने पता लगाया। तो मठ के अंदर तो आप नहीं रह सकते लेकिन मठ की जो मैनेजमेंट है उनका ही एक गेस्ट हाउस है यहाँ पर, तो यहाँ एक बार पता लगाएंगे कि यहाँ रहने की क्या सुविधा है। और इस गेस्ट हाउस का नाम है बूवराहा गेस्ट हाउस। अच्छा सर, ये सामने जो सोधे मठ है उसी का गेस्ट हाउस है? हाँ, सोधे मठ का। ये सोधे मठ का गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस का नाम है बूवराहा गेस्ट हाउस। 1000 रुपीज यहाँ पे चार्ज लगता है, 2 बेड्स हैं, एसी रूम है। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, आपको यहाँ पे आके ही करवानी पड़ेगी या फोन पे बुकिंग करवा सकते हो।
वैसे दोपहर के समय और शाम के समय यहाँ पे भोजन प्रसाद रहता है, लेकिन अभी कोविड की वजह से वो नहीं हो रहा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमको बोला कि आप भोजन कर लो, तो अभी क्लीनिंग हो रही है, 5 मिनट में अंदर जाएंगे। ये पंपकिन का सब्जी है जो कोकोनट के साथ थोड़ा तड़का दे के पूरा इसको हम कुक नहीं करते हैं, आधा कुक करते हैं, इसलिए वो थोड़ा टेस्टी होता है। अच्छा। ये कोकोनट चटनी है, इसको भी तड़का लगा दें थोड़ा सा। और ये मिक्स राइस है, थोड़ा मिक्स राइस कृष्ण भगवान को नैवेद्य के लिए बनाते हैं। तो रसम को यहाँ पे सार बोलते हैं, तिली सारू बोलते हैं। एवरेज जब कोरोना नहीं था तो 15,000 लोग रोज टेंपल विजिट को आते थे। 11:30 बजे से 3 बजे तक खाना होता था। अच्छा। दोपहर में, शाम को भी? शाम को 7:30 बजे से 10 बजे। बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट सांबर? ये सांबर है, ये मंगोर सौदे का ही सांबर बोलते हैं। अच्छा। और इसको भी हाफ कुकिंग करते हैं, पूरा हाफ कुकिंग करते हैं सब चीज का। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका विटामिन पूरा कुक करते हैं तो उसके अंदर जो रस होता है, विटामिन होता है, वो पूरा बॉइल होके निकल जाता है, इसलिए हाफ कुकिंग करते हैं कि उसमें बचे। बड़ा अच्छा लॉजिक है। हाँ। वैसे एक बात है, बड़ा नसीब आज हमारा। हाँ। मैं इसे छोटा बात नहीं बोलूंगा, हम ऐसे समय आए कि हमें यहाँ पे प्रसाद मिल गया। पैसा में मूंग दाल तूर दाल और उड़द दाल। अच्छा। और चावल भी मिक्स होता है। अच्छा। थोड़ा चावल भी मिक्स होता है। ओ, बहुत बढ़िया। जो भी यहाँ खाना खाने को बैठता है, हाँ जी, जो खाना उनको परोसता है, उनको लास्ट में खाना खाने के बाद उठने से पहले उनको बोलते हैं अन्नदातो सुखी भव। तो इसका मतलब है कि जो हमें खाना परोस रहे हैं अन्नदातो सुखी भव। जैसे आप देख रहे हैं, इस समय हम टेंपल में ही हैं। इस समय हमारे साथ श्री ईश प्रिय तीर्थ स्वामी जी के शिष्य हैं। हम आपसे इस टेंपल की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। श्री कृष्णाय नमः। द हिस्ट्री गोज बैक टू अराउंड 800 ईयर्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मध्वाचार्य, वन ऑफ द 3 मथाचार्यस एंड द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत और व्हाट वी कॉल एज तत्ववाद फिलोसफी, ही इंस्टॉल्ड दिस आइडल ऑफ श्री कृष्णा हियर। ही फाउंड दिस आइडल इन अ ड्राउनिंग शिप विच वॉज sailing over to this place from Dwaraka, and wherein a piece of chunk of mud was kept as a weight balancer. Okay. He saved this drowning ship and all the sailors too subsequently. And the merchant or the owner of the ship offered all his wealth, and Madhvacharya ji, he sacrificed all those, and he just took that chunk of mud and brought it here. Where he found the Shri Krishna's idol in that chunk of mud, and he installed it here. Basically, the idol is very small, like Balakrishna Rupa. In one hand, he is holding a churner, and in another hand, a rope which is used to churn. So, churning laukik meaning or laukik arth mein hum jo bolte hain. We churn the buttermilk so that we get the butter. So here the spiritual construct, if we see in this idol, it is the same thing that Lord will churn us, Lord Shri Krishna will churn us, so that ultimately the butter which is being linked to bhakti. So ultimately we will get bhakti as we get butter in our home. We will get bhakti for Lord Shri Krishna. And the temple usually is open all 365 days of the year, and open from morning 4 till night 10. यात्री यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं।
ओके ओके, यू हैव रियली एक्सप्लेन दिस सो ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। टेम्पल के बाहर ही हम नारियल पानी पी रहे हैं, अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग डेल्टा पॉइंट जाएंगे सर। अच्छा, कितना देर लगेगी? यहाँ से 20-25 मिनट मैक्स टू मैक्स। डेल्टा पॉइंट? डेल्टा पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर रिवर मीट सी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ चलो, वैसे टाइम भी सही है, अभी थोड़ा शाम का समय हो गया ना। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट। हम डेल्टा पॉइंट की ओर जा रहे थे, गाड़ी हमने अभी रोक लिया है रोड पे। अब आप सीन देखो क्या है यहाँ पर, ये देखो जी, इस तरफ समुद्र है अरेबियन सी, और यहाँ पर रोड और उस पार नदी, कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो कितनी सारी रॉक्स, ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी जगह है। यहाँ तो शाम के समय आके ना एक पत्थर पर बैठ जाओ है? और ये नज़ारा देखो, सो ब्यूटीफुल, टेरिफिक है। यहाँ से डेल्टा पॉइंट होगा शायद 4-4.5 किलोमीटर बस। डेल्टा पॉइंट में जाकर समुद्र और नदी मिलेगा। लवली। अच्छा एक चीज और देखो जरा, ये भी नोटिस करने वाली है, ये इतने सारे जो पेड़ है ना, कोकोनट ट्रीज, ये कायदे से तो ऐसा बेंड होना चाहिए क्योंकि हवा यहाँ से आ रही है, तो इनको ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है, ये समुद्र की फेसिंग बेंड हो रहे हैं, तो सॉल्ट वाटर जो रूट है ना, वो सॉल्ट वाटर से पीछे जा रही है। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट वाटर है और वहाँ पर थोड़ा सा कम है। कम है, exactly. कितना प्यारा लग रहा है, दिल खुश हो गया यहाँ पे गाड़ी रोक का। लवली। ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं, गूगल मैप से देखो, ये रिवर है, ये समुद्र है, हमको ये रेड पॉइंट तक जाना है, डेल्टा पॉइंट। डेल्टा पॉइंट हम पहुंच चुके हैं, ये देख लीजिए सामने बड़ी सारी रॉक्स। रेट एक चीज बताओ, यहाँ पर दो बोट लगे हुए हैं क्रूज। हाँ। तो बैकवाटर क्रूज होता है यहाँ पे? हाँ, आई थिंक दे विल चार्ज 12,000 और 13,000 फॉर 6 पीपल एंड दे विल टेक हार्डली 5-6 आवर्स। उसमें लंच वगैरह भी होगा? हाँ होगा। आओ जी, आप नजारा देख लो कैसा है, लवली। ये मेरे लेफ्ट साइड में पूरा समुद्र है, और 4 कदम आगे जाएंगे यहाँ पर, इधर तो इस तरफ नदी है, और यहाँ हो रहा है संगम, सो ब्यूटीफुल। भाई साहब आप फिशिंग कर रहे हो? हाँ फिशिंग कर रहे हो। आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ लोकल, 1 किलोमीटर के आसपास हूँ। अच्छा, तो बताओ कुछ इस जगह के बारे में, नदी का नाम क्या है? ये डेल्टा बीच बोलते हैं इसको, जो दो नदियाँ के समंदर में मिलती है, एक तो है सीता नदी है, दूसरा सुवर्णा नदी है, दो भी आके मिलती है। इसमें आगे से तो नदी बहता हुआ 20 किलोमीटर जाएगा तो ऊपर मीठा पानी है, जो यहाँ पे समंदर के आसपास है नमकीन पानी है। तो ये जो नदी जैसे पीछे से आ रही है, तो नदी अपने साथ वो क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स लेके आती है जी, पत्थर वगैरह, तो वो काफ़ी पीछे छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि यहाँ तक तो आते पानी स्लो भी हो गया। हाँ स्लो हो गया, हम लोग अभी लास्ट डेड पॉइंट में खड़े हैं। अच्छा, समझ गया, डेल्टा एंड पॉइंट है ये। अच्छा ये बताओ, जो समुद्र का पानी है यहाँ पे बीच में हम खड़े हैं, तो इधर भी ऊपर आता है पानी? हाँ इधर अभी कम से कम अभी 1-3 घंटे बाद ये पानी अभी 4 फीट तो बढ़ेगा ही। अच्छा, कभी अमास तुम्हारा ये पुनिमो टाइम होता है वो 20 फीट तक भी चढ़ता है। अच्छा। हाँ बारिश में भी कम से कम 30-40 फीट भी ऊपर तक, ये पत्थर तक आ जाता है, ये पानी सब कवर कर लेता। हाँ। ओहो भाई साहब, मजा आ गया यहाँ पे आके। अच्छा, दिल खुश हो गया, फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन बेहतरीन। आपको मैं बता नहीं सकता ये मूवमेंट कितनी एक्सक्लूसिव है, दो नदियों का समुद्र के साथ संगम, ये डेल्टा पॉइंट हमारा यहाँ पे आना शाम के समय खास तौर पे, और ये देखो पानी धीरे 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 यहाँ पे आ रहा है, सो एक्सक्लूसिव। सामने देखो आप, ढलता हुआ सूरज हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर केवल हम नहीं हैं, कुछ लोग और भी हैं, लेकिन इसमें टूरिस्ट मुझे लगता नहीं कि कोई भी होगा, सारे लोकल्स हैं। मैंने 3-4 लोग से बात तक करी है पता लगाने की, तो सब ने बोला कि हम ये 2-4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही आए हैं यहाँ पर। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल।
जब तक अंधेरा नहीं हो जाता हम यहाँ रुकेंगे 15-20 मिनट और, फिर हम आगे उडुपी को जाएंगे। हम डेल्टा पॉइंट से जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ तक आए, यहाँ पर कुआं है, हम थोड़ा सा पानी का टेस्ट देखना चाहते हैं कैसा है, क्योंकि समुद्र तो यहाँ से मुश्किल से 30 मीटर भी नहीं होगा, बस समझ लो इनका घर की बाउंड्री समुद्र पे ही है। मुझे ऐसा लगा था जब मैं आपके पास यहाँ आया कि पानी नमकीन होगा, सॉल्ट होगा पानी में, लेकिन वैसा नहीं है, बहुत हल्का सा है, मतलब वो फील नहीं होता, मतलब इतना कम है कि वो सॉल्ट फील नहीं होता। दूसरी बात ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपके हस्बैंड आपके फिशरमैन है, जनरेशन बाय जनरेशन फिशरमैन है आप। घर तो आपका देखो ऐसी लोकेशन पे है, इधर समुद्र इधर दो नदियां आपस में आके मिल रही हैं, कितना मतलब अच्छी लोकेशन है। अच्छा है ना, एक बार अंदर देखेंगे। अच्छा तो ये देखो जी, जो अंदर तो कुछ मच्छी भी है, मच्छी कैसे आ गया इसके अंदर? मच्छी हमें डाले तो। आपने डाला, बड़ा अच्छा लगा आप सबको मिलके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, उडुपी में हम पहुंच चुके हैं। हमने सोचा कि चलकर वेज कटलेट और गड़बड़ आइसक्रीम खाते हैं डायना होटल में, यहाँ पर आके पता चला है कि ट्यूसडे इनका ना रेस्टोरेंट क्लोज रहता है, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से नज़दीक में MTR है, वहाँ चलकर डिनर करेंगे। हम MTR रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं, अपने लिए हमने मंगवाया है यहाँ का फेमस रवा इडली घी के साथ, साथ में बिसी बेले भात। तो यहाँ मैं पीछे पढ़ भी रहा था कि कैसे वो राइस की शॉर्टेज हो गई, तो फिर इन्होंने रवा से पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेस हुआ। एक्चुअली ये चेन बैंगलोर की है। MTR का मतलब है मावली टिफिन रूम। ये बड़ा क्यूट, इन्होंने छोटी सी कटोरी में घी दिया। घी दे दिया। अरे सो क्यूट। अच्छा आपने बताया इसके साथ भी घी। घी है। वाह, ये क्या है? रायता है, कर्ड का रायता। लवली। एक भाजी है, पोटैटो से बनाया हुआ है और नॉर्मल कोकोनट चटनी। ये खाने की तरीका है ना, यू हैव टू टेक द घी, पोर इट ऑन द इडली। अच्छा, तो ये लोग की रवा इडली ज्यादा फेमस है। ज्यादा फेमस है, MTR का रवा इडली फेमस है। अच्छा, क्योंकि इसकी खोज इन्होंने ही करी है। करेक्ट, एग्जैक्टली। वैसे एक बात है, आप लोग कभी घर में ऐसा इडली खाते हो ऊपर घी डाल के? कभी नहीं सर, सिर्फ होटल में होता है बस। लवली। रवा इडली मैंने पहले काफी बार खाया है, ट्राई किया, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं खाया। ये दम है। ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, कड़ी पत्ता, कलौंजी, हल्की हल्की खटास और ऊपर घी। घी बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मैं तो MTR रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम आया हूँ, मज़ा आ गया। दो इडली खा लिया ना, तो आपका एक लाइट डिनर तो हो गया बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये भी ट्राई कीजिए सर एक बार। अच्छा, इसके साथ भी, इसमें अनियंस हैं हाँ, और ग्रेटेड कोकोनट भी मिलेगा आपको। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि ऐसा हो सकता है, रवा इडली आप इस तरह से आलू की भाजी के साथ खा रहे हो। क्या बात है, दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे, घी के साथ भी स्वाद है और ये वाला भी इक्वली गुड। रवा इडली नहीं पसंद तो भी ये टेस्ट ऐसा है कि आपको पसंद आ जाएगा। मेरे को याद आ गया, मैं दिल्ली में ना कर्नाटका संघ गया था, तो वहां मैंने बिसी बेले भात पहली बार खाया था। सही है, कुछ ऐसे मसाले हैं जो मॉडरेट लेवल पे, लेकिन हमें बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है उनका, हल्का हल्का खट्टा सा फ्लेवर है और तड़का अच्छे से सरसों और ऊपर कुछ वेजिटेबल्स भी डाली हुई, बीन्स वगैरह, बीन्स कैरेट, टेस्टी है। तो ये आप एनी टाइम स्नैक फॉर बैंगलोरियंस, बट आप लोग के यहाँ लोकल फूड में बिसी बेले भात नहीं है।
माय गॉड, सीरियसली बताऊं मेरा बिल्कुल मन नहीं था रायता खाने का, लेकिन अभी रायता से तो पूरा गेम बदल गया। ये तो रायता ही अपने आप में जादू है, इतना कम क्यों दे रहे हैं? ये तो ज्यादा देना चाहिए, इतना टेस्टी है। एक बात मैंने यहाँ के डिस्कवर करी, रायते में मीठा है, धनिया और कुछ मसाला भी इन्होंने बना के डाला हुआ है, लेकिन रायता विद दिस बिसे वाले भात इज क्रेजी कॉम्बिनेशन। एटलीस्ट ये टेस्ट तो मैजिकल है। टूटी फ्यूजन आ गई तो भाई आपने तो इसको ऊपर तक फिल कर दिया, तो इसमें फ्रूट है, आइसक्रीम है, और क्या है उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट? हाँ, बादाम मिल्क है। आई एम 100% श्योर आइसक्रीम से, आइसक्रीम के साथ आपने कभी भी बादाम मिल्क नहीं खाया होगा अभी तक। क्या तू सही रहे? मुझे ना इस आइसक्रीम में मेरी फेवरेट आइसक्रीम का स्वाद आ रहा है, और मेरी फेवरेट आइसक्रीम बाय द वे टूटी फ्रूटी है। तो मेरे को फर्स्ट बाइट लेने से ऐसा लगा जैसे मैं टूटी फ्रूटी खा रहा हूँ, तो यानी स्वाद इसका मेरे लिए हो गया मल्टीप्लाइड बाय टू। हालांकि दिस इज मच मोर देन टूटी फ्रूटी जो हम खाते हैं। उडुपी का खाना ना मुझे पसंद आ गया। अब सुबह हम मित्रा समाज गए टेम्पल लंच, वो तो एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग थी। तो अब हम इसको फिनिश करते हैं, मेरे लिए तो डिनर हो चुका है, तो हम आपको थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। रात के 9 बजे हमारी आज के दिन की जर्नी एंड हो रही है। जहाँ पर हम रुके हैं होम स्टे, वो जगह यहाँ से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है। पिछले एपिसोड में मैंने होम स्टे का रूम भी दिखाया था, अंदर से टैरिफ की बात भी करी थी। आपको थैंक्स, आपने पर्सनल टाइम भी दिया और हमको बहुत अच्छे से उडुपी घुमाया। हमारा ओरिजिनल प्लान तो ये बना था सुबह कि आज हम मालपे सी बीच भी जाएंगे, लेकिन अब शाम के टाइम चूज़ करना था या तो मालपे जाएं या डेल्टा पॉइंट जाएं, तो डिसाइड किया कि मालपे हम कल जाएंगे। वैसे मेरा ओरिजिनल प्लान ये भी था कि आज रात को मैं नाइट से उडुपी में नहीं करूँगा, मैं कुंदापुर में करूँगा, लेकिन अब कुंदापुर नाइट से हम कल रात को करेंगे, और कल हाफ डे 3 बजे तक हम उडुपी में रहेंगे, फिर हम निकल जाएंगे कुंदापुर। ठीक है, तो यहाँ से कुंदापुर कितना अप्रॉक्सीमेटली? 40 किलोमीटर्स। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स वंस अगेन। ठीक है, फिर से आइए उड़ती आप। पक्का पक्का, और आप सबको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।